चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में वी आर गिवन द फिगर पी क्यू आर, एक ट्राइंगल हमें गिवन है। इसमें हमें वो कह रहा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, ये पूरा नहीं है, दिस इज एंगल टू। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन है। अगर मैं इनके अकॉर्डिंगली लेके चलूं तो पी क्यू अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस अपॉन टी आर। अब देखो यहां पे क्यू आर अपॉन क्यू एस और पी आर अपॉन क्यू टी रेसिप्रोकल लो अगर इनका, मुझे क्या प्रूव करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। जो ट्राइंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, इनकी मैंने साइड्स लिख ली कि प्रोपोर्शनेट किस तरीके से आएंगी। पहले मैं ये वाली ले रही हूँ क्योंकि वहां पे भी मुझे क्यू टी की टर्म से ऊपर गिवन है, तो क्यू टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू, हाँ जी ये प्रूव करना है ना, तो मैंने ये देख लिया कि रेशियो ऑफ साइड्स मुझे क्या लेके चलनी है, मतलब क्या प्रूव करनी है, मैं अपना वर्क इजी कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी आर। यहाँ पे पी क्यू की जगह मुझे क्या गिवन है, पी आर, यानी कि इसको अगर मैं समहाउ पी आर को क्या ले लूं, पी क्यू से रिप्लेस कर दूं, तो हाफ ऑफ माई वर्क इज डन, मोर देन हाफ ऑफ द वर्क इज डन। अब बिल्कुल एंगल वन इक्वल टू एंगल टू आपको गिवन है, एंगल वन इक्वल टू टू, अगर एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो सिंस एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू देयरफोर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू पी आर की इक्वल आ गई, तो ये मैंने रिप्लेस कर दी। हो गया, साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई जिन ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना था। अब एक चीज और लेनी है मुझे, या एंगल्स या फिर थर्ड साइड। अब क्या आएगा बीच में से, ट्राइंगल कौन कौन सी है, पी क्यू एस ये वाली और इधर से टी क्यू आर, तो एंगल आ रहा है क्यू और इंक्लूडेड है एंगल, पहले ये भी चेक करो इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, ऑल्सो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। मुझे जो प्रूव करना था उसी से मैंने पहले देख लिया कि ट्राइंगल्स सिमिलैरिटी के लिए साइड्स प्रोपोर्शनल निकाल ली मैंने उसकी, मुझे ऑर्डर गिवन था क्वेश्चन में ही, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, तो ये आ गया मेरे पास। अब जो गिवन था मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो गिवन में ये तीन चीजें मेरी इससे मैच कर रही थी, यानी कि फोर्थ वाली जो है मुझे चाहिए थी पी पी आर मुझे इक्वल शो करनी है। उसके लिए अगेन आई वॉज गिवन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन तो कौन से वाले ट्राइंगल में गिवन था, इस वाले में, ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू था। एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो यहां से पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, पी आर। इस पी आर को हमने पी क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो ये वाला साइड प्रोपोर्शनल आ गई। अब थर्ड, क्योंकि इनको सिमिलर प्रूव करना है, तो या इंक्लूडेड एंगल इक्वल होने चाहिए या ये थर्ड पेयर ऑफ साइड जो है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल। तो हमने जब इसको चेक किया, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू
आर में ये क्यू एंगल आपका इंक्लूडेड था जो हमने साइड्स ली है, तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ आ गया ये? कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। बच्चे ये देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्यू टी, ये क्यू टी अपॉन पी आर, वैसे क्या था यहाँ पे क्यू पी, तो ये इंक्लूडेड एंगल है। अब हमने क्यू पी को जो है रिप्लेस किया यहाँ पे क्यू पी, पी आर को रिप्लेस किया क्यू पी से, तो ये आ गया आपका क्यू टी अपॉन क्यू पी, दोनों के बीच में, इन दोनों साइड के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल बन रहा है आपका, तो कॉमन हो गया ये। हाँ जी, इस इज क्लियर? अभी भी जसलीन डाउट है आई थिंक आपको, पूछो। थर्ड वाला ये देखो, हमने क्यू एस अपॉन क्यू आर, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी शो कर दिया। अब इन दोनों में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है आपका? क्यू, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बेटे पूछ लो। आ गया समझिए, चलें अगले पे। क्वेश्चन नंबर फाइव, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। फिगर कैसे बनेगी बताओ जी? क्वेश्चन नंबर फाइव की फिगर आपको गिवन है, ट्राइंगल पी क्यू आर, अब वो कह रहे हैं इसमें कि पॉइंट्स एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, इन दोनों पे पॉइंट्स लेने हैं हमने, कौन कौन से, एस एंड टी, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। तो एस किस पे लेना है आपको, गिवन है पी आर पे, और टी किस पे लेना है, इस पे, सच दैट कौन सा एंगल आपको पी के गिवन है इक्वल आर टी एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल गिवन है। इतना समझ आया? क्या शो करना है यहाँ पे, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, यानी कि क्या शो करना है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एस, आर और आर दोनों में कॉमन है, और आर पी अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन टी एस इज इक्वल टू, यानी कि अगर इनमें से मैं कोई भी कंसेप्ट ले लूं जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो जाएंगी आपकी, सिमिलर। अब बताओ एंगल आर है ही है, प्लस टू ए, हाँ जी बोलो बेटे, एंगल आर कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, एंगल पी और एंगल टी इक्वल गिवन है, ट्राइंगल कौन कौन सी ले रहे हो, पी आर पी क्यू एंड ये बड़े वाला और ये छोटे वाला, इसमें एंगल आर कॉमन है और टी और पी इक्वल है, तो बाय ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स सिमिलर है तो सीधा ये लिख दो, वॉट इट, क्लियर? तो रेशो वाले कंसेप्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ी। चले अगले पे, कुछ मुश्किल था इसमें?
क्वेश्चन नंबर सिक्स. इन द गिवन फिगर ट्राइंगल गिवन है एबीसी. ये फिगर गिवन है आपको. इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी. अब यहां कॉन्ग्रुएंट है ये ध्यान रखना. सिंबल पूरे ध्यान से देखना एग्जाम में भी. ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी देन शो दैट ए डी ई इज सिमिलर टू ए बी ई. अब ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा, यानी कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगी एमसीक्यूज में, तो वहां से आपको कंसेप्ट देखना होगा. मतलब रिवर्स ऑर्डर में जैसे मैं करवा रही हूँ आप चल सकते हैं. ए बी यहाँ चलो. ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी मतलब ए बी ए सी के इक्वल. एंगल्स भी सेम. आप बताओ एंगल ए ठीक है. अब मुझे शो करने है ए डी ई एंड ए बी सी. दिस इज योर ए डी ई और ये है आपकी ए बी सी. एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहे हैं. हाँ जी ए डी इज इक्वल टू ए ई. ए डी ए ई के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इनके रेशियोज भी प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं, सेम होंगे कि नहीं. तो क्या लिखूं ए डी ओवर ए बी. कौन सा कंसेप्ट लगा क्या ये कौन बोला था बीच में जरा. एस ए एस क्राइटेरिया साइड एंगल साइड साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ठीक है एनी डाउट बेटे. आपको ए डी और ए ई इक्वल गिवन है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट गिवन है तो उनकी लेंथ सेम होंगी. ए बी और ए सी लेंथ सेम होंगी. तो अगर मैं इसको इक्वेशन लेके इक्वेशन टू ले लूं और इनको डिवाइड कर दूं तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी आ जाएगा. प्रोपोर्शनल हो गए वो, इंक्लूडेड एंगल भी है, तो एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स आर सिमिलर. बाहर नहीं इधर बोर्ड पे कंसंट्रेट करें. कहा ये गिवन था मुझे. गॉट इट. चले नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर सेवन नाउ. इन द गिवन फिगर अगेन एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट पॉइंट पी. गिवन है कि एल्टीट्यूड जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एल्टीट्यूड हमें गिवन है ए बी एंड सी ई. ए बी एंड दिस इज सी इंटरसेक्ट एट पी. फर्स्ट पार्ट है ए ई पी और सी डी पी को आपको सिमिलर प्रूव करना है. ए ई पी एंड सी डी पी Thank you.
एक तो ये एंगल्स हो गए वर्टिकली अपोजिट, ईच 90 डिग्री, तो बाय ए ए दो एंगल्स इक्वल हैं, तो बाय ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हाँ जी, एंगल सेम एंगल नहीं है वैसे, वर्टिकली अपोजिट पॉइंट सेम है, वर्टेक्स उनका सेम है, बट है ओपोजिट डायरेक्शन में ना रेज उनकी, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल लेके चलो। सो बाय ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सेकेंड पार्ट, ए बी डी एंड सी बी ई, अब बड़े वाले लेके चलने हैं। ए बी डी सेकेंड कौन सा है, हाँ एक एंगल 90 डिग्री आ गया, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री। सेकेंड एंगल बी दोनों में कॉमन, तो बाय अगेन ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो आई होप कि अब कंसेप्ट आपको क्लियर है, बिकॉज यू पीपल आर गिविंग द आंसर कि क्या चीज कैसे हो रही है। ठीक है, चले थर्ड पार्ट पे। सेकेंड दोबारा देख लो, ट्राइंगल कौन सा था, सी बी ई, कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं, ए बी डी एंड सी बी ई, ए बी डी एंड सी बी ई, एंगल बी दोनों में कॉमन है, इधर से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो एंगल्स इक्वल हो गए दो ट्राइंगल्स के, तो दे आर सिमिलर। ठीक है, बाय ए ए क्राइटेरिया, अगर दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल, तो बाय ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। नाउ द थर्ड पार्ट, ए ई पी ए डी बी और एक ये वाली ट्राइंगल, एक ये वाली, एंगल ए कॉमन है और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई ईच 90 डिग्री, फिर से वही ए ए क्राइटेरिया। नहीं समझ आ रहा कुछ पूछ लो, दोबारा देख लो, इसमें एक ट्राइंगल है हमारी ये वाली, ठीक है, और दूसरी ट्राइंगल है ये वाली बड़ी वाली, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहे, और इधर से ई 90 डिग्री है, इधर से डी 90 डिग्री है, तो दो एंगल्स इक्वल हो गए दो ट्राइंगल्स के, तो इट मींस ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए ए क्राइटेरिया। अब गर्ल्स बताएंगी, बॉयज बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ट्राइंगल्स हैं पी डी सी एंड बी ई सी, एक ट्राइंगल है आपकी बी ई सी और दूसरी ट्राइंगल है पी डी सी, एंगल सी कॉमन आ गया, एंड ये और ये ईच 90 डिग्री, सो बाय ए ए क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Any doubt you can ask. Online students also, if you are having any doubt, you can ask. Otherwise, as such, कोई difficult concept नहीं है ये हमारा. Now moving on to question number 8. E is a point on the side AB produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. आपको क्या given है? Parallelogram ABCD given है, जिसकी साइड ए डी को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसपे कोई पॉइंट ई लिया गया और बी ई जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एफ, क्या फिगर बनेगी?
सा पॉइंट ए प्रोड्यूस, ए डी है तो ए से डी की तरफ प्रोड्यूस करोगे, ये ध्यान रखो आपको गिवन ई और फिर वो क्या कह रहे हैं कि बीई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया ई और फिर जब मैंने बीई को ज्वाइन किया तो दिस इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। फिगर क्लियर है? अब क्या प्रूफ करने है? ट्राइंगल ए बी ई एंड सी एफ बी आर सिमिलर। हाँ जी फिगर देखो, दोबारा देख लो, हमें गिवन था पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो जिस तरीके से मर्जी आप इसको ए बी ले लो यहाँ पे, बट सीक्वेंस सेम रहे। अब उसने क्या कहा, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस किया ए डी को तो ए से डी की तरफ हमने ये प्रोड्यूस कर दिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने ई। अब वो कह रहे हैं कि ऑन ज्वाइनिंग दिस बी एंड ई, जब आप इनको ज्वाइन कर देते हो तब ये सी डी को पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको शो करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या करेंगे? ये पहले मेरे को ये बताओ, अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन बोला? वर्टिकली अपोजिट कैसे आ रहे हैं? ये साइड है ट्राइंगल में, फिर चलो एंगल ए इज इक्वल टू, हाँ जी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सेकंड कौन कौन से, कैसे? हाँ कैसे, वही तो मैंने भी पूछा, ठीक है लेकिन कैसे कैसे, कौन से पैरेलल है, कौन सी ट्रांसवर्सल है? ए ए के साथ, एक मिनट, ए ई पैरेलल बी सी, बिल्कुल ठीक है, ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी को अगर आप प्रोड्यूस करोगे तो ए ई इज आल्सो पैरेलल टू बी सी एंड दिस बी ई इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपके इक्वल हो गए, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो अगेन बाय ए ए क्राइटेरिया बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। चलें अगले पे, कौन सा? ओके ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, ये दो साइड्स पैरेलल हो गई, पैरेलल लाइन को मैं जितना मर्जी एक्सटेंड करूं वो पैरेलल ही रहेंगी आपस में। बेटे मैं अगर ऐसे ले लूं तो मेरे को तो एंगल ये और ये मिल रहे हैं ना, इसको एक्सटेंड भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गॉट इट? चलें अगले पे, क्वेश्चन नंबर 9, फिगर गिवन है ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम, शो दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलैरिटी वाला तो आई होप कि इजी लग रहा होगा, चलो कैसे करें, राइट ट्राइंगल्स गिवन है आपको, फटाफट बताओ एंगल एम और बी हो गए 90 डिग्री, ये दो ट्राइंगल्स हैं और एंगल ए क्या हो गया, कॉमन, तो बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड